स्टाफ का उसके सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि करवा चौथ स्पेशल में जो धमाका होना था वो अब धीरे धीरे होना शुरू हो गया है और ये सब रूही की वजह से हुआ है। रूही ने सबके सामने ये असलियत ला दी है कि अबीरा ने करवा चौथ का फास्ट नहीं रखा है, जिसकी वजह से विद्या, अबीरा और अरमान पर बहुत गुस्सा होती है और अबीरा को बहुत सारे ताने भी मारती है। रूही ने बिना कुछ कहे, बिना कहीं पिक्चर में आए अबीरा को खाते हुए शूट कर लिया और फिर सबने VTR में देख लिया कि अबीरा खाना खा रही है। अरमान को इस बात से बहुत ठेस पहुंची है क्योंकि अरमान ने अबीरा के लिए व्रत रखा है, इसलिए उसे बहुत बुरा लगा कि अबीरा ने व्रत नहीं रखा और इस तरह अरमान को उसने चीट किया है। अरमान अभी नहीं जानता कि इसके पीछे की वजह क्या है। अबीरा प्रेग्नेंट है, अबीरा के लिए फिलहाल बच्चे की हेल्थ फर्स्ट प्रायोरिटी है, इसलिए उसे खाना ही पड़ा। ये बात अरमान नहीं जानता, वो बस ये जानता है कि अबीरा ने उसे धोखा दिया है। वो चुपचाप अबीरा की पूजा करता है, जो एक पत्नी करती है वो अरमान अबीरा के लिए करता है। चांद की पूजा करता है, चांद को पानी देता है, फिर अपने हाथ से छलनी से अबीरा को देखता है, फिर उसे पानी पिलाता है, उसे कुछ खिलाता है और बस उसके बाद अरमान वहाँ से चला जाता है। अबीरा अरमान को देखते ही समझ जाती है कि अरमान को उसकी ये बात बहुत बुरी लगी है। वो पीछे पीछे अरमान की जाती भी है उसे मनाने, लेकिन क्या अरमान सच में मान जाएगा? वेल, अबीरा एक बहुत ही रोमांटिक से डेट के लिए भी अरमान को बुलाएगी ताकि अरमान गुस्सा थूक दे और दोनों के बीच में सब कुछ सही हो जाए। लेकिन यहाँ पर अबीरा बेहोश हो जाएगी। जब डॉक्टर को बुलाया जाएगा तो पता चलेगा कि अबीरा तो प्रेग्नेंट है और उसे अपना खास ख्याल रखना है और भूखे तो बिल्कुल नहीं रहना, क्योंकि उसकी ये प्रेगनेंसी उसकी जान की दुश्मन बन सकती है। जब अरमान को ये बात पता चलेगी तब क्या होगा अबीरा का, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा।